भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस काण्व शाखोक्त स्तोत्र का पूजा के समय राजद्वार पर पाठ करता है वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। आइए हम सब मिलकर इसी स्तुति के सहारे अपने अभीष्टार्थ की प्राप्ति करें। स्तुति। प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थीं। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थीं। आपकी नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुंथी हुई सुंदर चोटी थी। आपका रूप बड़ा ही मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी। हे देवी, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। देवी, आप सबको मोहित कर लेने वाली हो। आपको देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए थे। तब आप उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष आपको ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने आपको बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से आपका निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। आपके पसीने से विश्व गोलक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हो गया। तब आपने अपने को पांच भागों में विभक्त करके पांच मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उन्हें भविष्यवेत्ता लोग कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है, उन शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषी गण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपिणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उन सत्व स्वरूपिणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से पुकारते हैं। हे देवी, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली हैं, जिनकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उन शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या समस्त शक्ति की अधिदेवता संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही आप इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। आप ही शिव के समीप शिवा पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद रूप हैं, उन रासेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो।
देवांगनाएं भी आपके कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां आपके विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैऋत्य की जाया कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शतरूपा, कर्दम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं वे सभी आप ही की कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में ग्रह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राज लक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योत और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण सार रूपा स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिवजी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी वह आप ही हो। उसी से शिवजी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। अतः आपको नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूं। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूं। जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभू ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूं। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूं। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूं।
जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगत जननी, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता क्रोधित होती है?